नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे ACC से शेयर प्राइस टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर ACC का जो शेयर प्राइस टारगेट है, इन सालों में कहां तक जा सकता है और इसकी संभावना क्या बताई जा रही है। ठीक है, तो दोस्तों जो रिपोर्ट है मैंने एक्सपर्ट के द्वारा तैयार कराई गई, जिसमें आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएगी। तो देखिए, अगर रिपोर्ट में सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले दिया हुआ है कंपनी के बारे में जानकारी, जो कंपनी की सब जनरल चीज़ें होती है उसके बारे में जानकारी दी हुई है, जिसे आप आराम से बाद में चेकआउट कर सकते हो। इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ठीक है, इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे भाई इन सालों में शेयर की वैल्यू पर। तो उसके लिए हमें कुछ जरूरी चीज़ों को पहले देखना होगा। तो पहले सबसे पहले दिया हुआ है पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में हुए बड़े बदलाव। तो जैसा कि हम देख सकते हैं भाई, 2 जुलाई 2018 के टाइम में कंपनी के शेयर की वैल्यू 1374 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी, और अगर 5 साल के बाद भाई 26 जून 2023 को देखें तो यह वैल्यू कर रही है ट्रेड 1814 रुपये के आसपास, और महत्तम ये गई है 2785 रुपये के आसपास। तो जैसा कि हम देख सकते हैं 1300 में और 2700 में लगभग 2 गुना का फ़र्क है। इसलिए जो है कंपनी ने 5 सालों में लगभग 2 गुना का प्रॉफिट दिया है, जो कि लगभग अच्छा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कम है 5 सालों के हिसाब से। तो अभी के लिए हम इसको एक अच्छे संकेत में ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हमने एक व्हाइट बोर्ड को रखा हुआ है, जहाँ पे प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करेंगे। जैसा कि हमने देखा भाई, कंपनी ने ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, पर अभी इसको हमने प्लस पॉइंट में ऐड कर दिया है, क्योंकि कंपनी ने लगभग 2 गुना का तो रिटर्न दिया ही हुआ है, और ये कंपनी जो है अभी मिड कैप रही हुई है। तो आगे देखते हैं रिपोर्ट में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई है। आगे दिया हुआ है कंपनी के पिछले 5 सालों की फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो जैसा कि हम देख सकते हैं 2019 में टाइम में कंपनी 15,990 करोड़ का रेवेन्यू बना रही थी, और नेट इनकम जो है 1377 करोड़ की बना रही थी। और अगर 5 साल के बाद देखें तो भाई, जो रेवेन्यू है ये बढ़कर 22,000 करोड़ हो गया है, और नेट इनकम हो गई है 885 करोड़। मतलब जो नेट इनकम है उसमें गिरावट हुई है और रेवेन्यू बढ़ रहा है। इसे कहा जा सकता है भाई, कंपनी में अभी कोई बड़ा एक्सपेंस हो रहा है, जिसकी वजह से जो है नेट इनकम नहीं बन पा रही है। नेट इनकम यहाँ तक काफ़ी अच्छी बन रही थी, पर भाई 2023 में नेट इनकम में गिरावट हुई है, जिसका क्या कारण है वो अभी हमें आगे पता चल सकेगा। तो अभी के लिए ये एक नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि जो है कंपनी फाइनेंशियल रूप से अभी स्ट्रॉन्ग नहीं चल रही है। और आगे बात कर दो पिछले कुछ सालों में कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। कंपनी की संपत्ति यानी भाई जो कंपनी के एसेट्स होते हैं, जैसे ऑफिस हो गए, ब्रांच हो गई, इंडस्ट्रियल व्हीकल हो गए, जिसकी वजह से कंपनी अपना रेवेन्यू को बना रही है, तो क्या उसमें गिरावट हो रही है या बढ़ोतरी हो रही है। तो 2019 में कंपनी के पास 17,135 करोड़ की संपत्ति थी, और 2023 में ये संपत्ति हो गई है 20,543 करोड़ की, यानी लगभग 3,000 करोड़ की 5 सालों में कंपनी की संपत्ति में बढ़ोतरी हुई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। क्योंकि अगर कंपनी अपने संपत्ति को बढ़ा रही है लगातार, तो कंपनी उससे अच्छा रेवेन्यू बना पाएगी पिछले सालों के मुकाबले। आगे दिया हुआ पिछले कुछ सालों में कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। तो देखते हैं कंपनी ने डिविडेंड दिया है नहीं। तो देखिए, मैं इसे फोकस कर देता हूँ। कंपनी ने 2022 में डिविडेंड दिया, 21 में दिया, 20 में दिया, 19 में दिया और 18 में दिया। मतलब कंपनी ने लगातार अपने निवेशकों को पिछले 5 सालों में लगातार डिविडेंड दिया है, और 2023 में शायद अभी तक कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, जिसका कारण हो सकता है भाई कंपनी ने इस साल जो है प्रॉफिट काफ़ी कम बनाया है 2022 के मुकाबले। तो कोई बात नहीं, अभी के लिए हम भाई इसको एक अच्छा संकेत ही मानेंगे, कंपनी ने पिछले 5 सालों में लगातार डिविडेंड दिया है। आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अगर आप किसी कंपनी में निवेश करने का सोच रहे हो। तो देखिए, इसमें सबसे पहले दिया हुआ टोटल प्रमोटर होल्डिंग। तो जैसा कि हम जानते हैं भाई, जो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है उसमें समावेश होता है कंपनी के द्वारा खुद के द्वारा की गई होल्डिंग का, यानी कंपनी के पास खुद के 56.70% के होल्ड रहे हुए हैं शेयर के, जो कि एक अच्छा संकेत है। कंपनी ने अपने खुद के शेयर को इतनी अच्छी मात्रा में खुद के पास रखे हुए हैं। म्यूचुअल फंड के द्वारा भाई 8.90% की होल्डिंग की गई है, जो कि ये भी एक अच्छा संकेत है। अदर नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के द्वारा 10.62% की होल्डिंग की गई है, जो कि ये भी एक अच्छा संकेत है। इसमें समावेश होता है भाई जो भारत के बड़े इन्वेस्टर है उनका और संस्थाओं का। फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो विदेशी इन्वेस्टर है उनके द्वारा भी भाई 10% की होल्डिंग की गई है, जो कि ये भी एक काफ़ी अच्छा संकेत है। और रिटेल इन्वेस्टर, जैसा कि हम जानते हैं रिटेल इन्वेस्टर अगर कम मात्रा में होते हैं तो अच्छा माना जाता है, उसके हिसाब से भाई ये भी एक अच्छा संकेत है कंपनी में निवेश करने का। ओवरऑल अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो भाई लगातार ये काफ़ी अच्छा संकेत रहे हुए, तो ये भी हमें एक अच्छा संकेत मिल गया है। अभी टॉप कंपटीटर्स की बात करें तो ये टॉप कंपटीटर्स है कंपनी के, और कंपनी के बारे में कुछ फ्यूचर स्कोप बताया हुआ है कि भाई कंपनी कौन कौन से आगे क्षेत्र में काम करने का प्लानिंग कर रही है, जिसे आप बाद में चेकआउट इसे कर सकते हो। इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अभी बात करते हुए टारगेट वैल्यू की, तो दोस्तों टारगेट वैल्यू होती है किसी भी प्रकार का सजेशन नहीं कि भाई आपको बेचना चाहिए या खरीदना चाहिए, ये एक्सपर्ट के द्वारा बताई जाने वाली एक अंदाजी टारगेट वैल्यू बताई जाती है। तो देखिए, 2024 में अगर बात करें तो शेयर की टारगेट वैल्यू बताई जा रही है 3050 से लेके
3110 रुपये के आसपास संभावना बताई जा रही है जाने की। 2025 में यह वैल्यू बताई जा रही है 3120 से लेके 3210 रुपये के आसपास जाने की संभावना को बताया जा रहा है। और 2030 में अगर बात करें तो भाई ये जा सकती है 4280 से 4350 रुपये के आसपास। इसके अलावा इसमें कंक्लूजन दिया हुआ है और FAQs को दिया हुआ है। अगर प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट की बात करें तो भाई इसमें हमें 4 प्लस पॉइंट देखने मिले, 1 माइनस पॉइंट देखने मिला, जिससे कहा जा सकता है भाई अगर आप कंपनी में निवेश करने का सोच रहे हो तो ये आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। पर साथ साथ में कंपनी के बारे में लगातार अपडेट रहना भी जरूरी है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जैसे जैसे हमें अपडेट मिलेगी आपके साथ भी हम अपडेट जरूर से करेंगे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक कर दें।